हेलो प्रोग्रामर्स, आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पाइथन में फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को। सो गाइज, अगर आप ऑलरेडी सी सी प्लस प्लस या जावा वगैरह में काम करते आए हैं तो आप लोगों को पता है कि फाइल हैंडलिंग का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिकली फाइल्स का हम यूज़ करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। एंड परमानेंटली स्टोर इसलिए करते हैं कि जब फ्यूचर में उसकी ज़रूरत हो तो उसे वापस से हम रिट्रीव कर सकें। तो आइए इस वीडियो में हम लोग लर्न करते हैं कि पाइथन में किस तरह से फाइल्स पे रीड एंड राइट का हम काम कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। सो ए फाइल इज यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर द डेटा। फाइल का यूज करते हैं डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए। फाइल हैंडलिंग इज द मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड टू राइट डेटा ऑन फाइल और रीड डेटा फ्रॉम फाइल। फाइल हैंडलिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से पाइथन प्रोग्राम से हम डेटा को फाइल पे राइट कर सकते हैं या फिर पाइथन प्रोग्राम में किसी फाइल पे स्टोर डेटा को वापस से रीड करके ला सकते हैं। वी हैव फॉलोइंग थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स। तो जब भी फाइल हैंडलिंग के हम प्रोग्राम बनाएंगे उनमें तीन बेसिक स्टेप रहेंगे। सबसे पहला होगा ओपनिंग फाइल, दूसरा स्टेप होगा रीड या राइट का जो भी ऑपरेशन करना है फाइल पे वो ऑपरेशन, एंड तीसरा काम होगा क्लोज द फाइल जिससे जो चेंजेस मेड हुए हैं वो सेव हो सके। सबसे पहले देखते हैं हम ओपनिंग द फाइल। सो फाइल को ओपन करने के लिए क्या हमें करना होगा वो देखते हैं। द ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन ए फाइल। ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं पाइथन में फाइल को ओपन करने के लिए। दिस फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर्स। ये फंक्शन दो पैरामीटर लेता है। द फर्स्ट पैरामीटर इज द नेम ऑफ द फाइल एंड सेकेंड पैरामीटर इज द फाइल ओपनिंग मोड। यानी जिस फाइल को ओपन करना है उसका नेम या उसका पाथ फर्स्ट पैरामीटर होगा। एंड फाइल को ओपन करने का हमारा उद्देश्य क्या है, मतलब उससे हम डेटा रीड करना चाह रहे हैं या राइट करना चाह रहे हैं, वो हम सेकंड आर्गुमेंट से बताएंगे जिसे हम फाइल ओपनिंग मोड कहते हैं। सो चार फाइल ओपनिंग मोड्स हमारे पास हैं। पहला है डब्ल्यू। सो जो डब्ल्यू मोड है ये जो है बेसिकली फाइल को राइटिंग के लिए ओपन करता है, यानी डब्ल्यू ओपन्स द फाइल फॉर राइटिंग द डेटा। क्रिएट्स द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अगर फाइल बनी भी नहीं है तो ये एक न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा। ओवरराइट्स द डेटा ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल, यानी अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो उसके डेटा को ओवरराइट कर देता है। दूसरा हमारे पास मोड है आर। ओपन्स द फाइल फॉर रीडिंग द डेटा। ये क्या करता है, फाइल के ऊपर जो डेटा स्टोर्ड है उससे डेटा रीड करने के लिए आर मोड का यूज करते हैं। Gives file not found error if file does not exist, यानी अगर फाइल बनी हुई नहीं है तो उस केस में file not found error generate करता है। तीसरा अपने पास मोड है A, यानी append। Opens the file to append data at end of existing file, ये फाइल को ओपन करता है जो पहले से अगर बनी हुई है तो, और जो डेटा हम राइट करेंगे वो फाइल के एंड में एड करता जाएगा। Creates new file if file does not exist, लेकिन अगर फाइल नहीं बनी हुई है और हमने A मोड में खोला तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। एंड चौथा है एक्स मोड, लीस्ट यूज्ड मोड है, ये सबसे कम यूज में आने वाला मोड है। बेसिकली ये क्या करता है, इट क्रिएट्स ए नॉन एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब जिस जो फाइल बनी हुई नहीं है उसे क्रिएट करने का काम करता है। एंड गिव्स एरर इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो ये एरर जनरेट करके देता है। तो सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो सिंटेक्स होता है इसका ओपन, एंड फर्स्ट जो पैरामीटर है वो फाइल का नेम होगा, सेकंड जो पैरामीटर है वो फाइल ओपनिंग मोड होगा। अब जो ओपन फंक्शन है बेसिकली, द ओपन फंक्शन रिटर्न्स ए टेक्स्ट आईओ रैपर ऑब्जेक्ट, यानी अगर सक्सेसफुली फाइल ओपन हो गई है तो जो ओपन फंक्शन है वो हमें टेक्स्ट आईओ रैपर ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, जिसकी हेल्प से हम इनपुट एंड आउटपुट का ऑपरेशन जो है फाइल पे परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक फाइल ओपन करी डेटा फाइल डॉट टी एक्स टी नाम से, ये जहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेव हो रहा है वहीं पे ओपन होगी, और मोड कौन सा रखा है हमने W। अगर इस नाम की फाइल नहीं है तो एक न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर इस नाम की फाइल ऑलरेडी पड़ी है तो उसका पुराना डेटा सारा हट जाएगा। अब ऑन सक्सेस ये ओपन क्या करेगा, एक टेक्स्ट आईओ रैपर ऑब्जेक्ट बना के देगा जो इस राइटर नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया है। अगर रीड मोड में खोलना होता डेटा यहाँ से रीड करना होता तो हम यहाँ पे जो मोड है वो क्या रख देते आर, और जो राइटर है उसकी जगह नाम हम क्या यूज कर लेते रीडर। ठीक है,
अब ऐसा नहीं कि राइटर या रीडर नाम रखना ही जरूरी है, आप फाइल नाम भी दे सकते हो या जो भी आपको नाम देना है वो नाम आप रख सकते हैं, दैट्स अप टू यू। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन आता है, हमने देखा था फाइल को ओपन करने के बाद उस पर डेटा राइट या रीड करना होता है। तो फाइल पे डेटा राइट अगर आपको करना है देन वी यूज राइट फंक्शन टू राइट डेटा ऑन फाइल। पाइथन में हम राइट नाम के फंक्शन को यूज करेंगे फाइल पे डेटा राइट करने के लिए। इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है, सबसे पहले हमारा राइटर ऑब्जेक्ट यानी जिस ऑब्जेक्ट पे हमने फाइल को राइट मोड में ओपन किया था उसका नाम, फिर डॉट लगाएंगे, उसके बाद में राइट मेथड, देन जो डेटा हमें फाइल पे राइट करना है वो डेटा हम एज आर्गुमेंट पास कर देंगे। राइटिंग के अलावा दूसरा हमारा जो तरीका हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, वो रीडिंग है कि हम फाइल पे जो पहले से डेटा पड़ा है उसे रीड करके हमारे प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। द रीड फंक्शन इज यूज टू रीड ऑल द डेटा ऑफ फाइल। तो रीड फंक्शन को जनरली यूज करते हैं हम जब फाइल से सारा डेटा हमें रीड करना है। सिंटेक्स क्या रहेगा? सिंटेक्स रहेगा डेटा इक्वल टू, डेटा यहाँ पे वेरिएबल है, कुछ भी नाम ले सकते हो, इक्वल टू रीडर डॉट रीड। रीडर वो ऑब्जेक्ट है जिसपे हमने फाइल को रीडिंग के लिए ओपन किया था। तो जो फाइल रीड मोड में ओपन हुई थी उसका सारा डेटा रीड होकर के आ जाएगा इस डेटा वेरिएबल में। अब सपोज दैट आपको ऐसा है कि पूरा डेटा रीड नहीं करना है, कुछ कैरेक्टर्स ही रीड करने, लाइक 10 कैरेक्टर्स रीड करने और 20 कैरेक्टर्स रीड करने, तो वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी कैन ऑल्सो रीड फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल यूजिंग द रीड फंक्शन। इसके लिए करना क्या है हमें, जस्ट वो नंबर पास करना है एज ए आर्गुमेंट जितने कैरेक्टर हमें रीड करने। जैसे रीड में हमने यहाँ पे क्या पास किया, 5, तो ये केवल 5 कैरेक्टर्स रीड करके फाइल से हमें दे देगा। सपोज दैट आप एक लाइन रीड करना चाहते हैं, लाइन बाई लाइन डेटा रीड करना चाहते हैं फाइल से, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है रीड लाइन। सिंटेक्स जो रहेगा रीड लाइन का वो इस तरह से रहेगा, लाइन इक्वल टू रीडर सॉरी डॉट रीड लाइन। ये एक लाइन रीड कर देगा, अगर इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे आप लूप वगैरह चला के, तो ये लाइन बाई लाइन सारा डेटा रीड करता रहेगा। सो राइटिंग के लिए राइट मेथड है, रीडिंग के लिए रीड या फिर रीड लाइन का हम यूज कर सकते हैं। एट द एंड जब आपने फाइल पे डेटा राइट किया है, अब उसे परमानेंटली सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। रीडिंग के बाद क्लोज करना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप राइट करना चाहते हैं तो क्लोज करना कंपलसरी है। हालांकि मैं पर्सनली यही प्रेफर करूंगा, चाहे आप रीड ऑपरेशन कर रहे हो या राइट ऑपरेशन कर रहे हो, फाइल को हमेशा सेव कर दें एट लास्ट। To save the changes made on the file, we use close function after completing the desired IO operation. तो फाइल से जो भी रीड या राइट का काम करना है हमें वो हमने कर लिया, उसके बाद एट लास्ट हमें क्या करना चाहिए, फाइल को क्लोज कर देना चाहिए। सिंटेक्स क्या रहेगा, जो भी रीडर या राइटर ऑब्जेक्ट था, मतलब जिसपे हमने रीड करने के लिए या राइट करने के लिए फाइल खोली थी, उसके साथ अपन क्लोज फंक्शन कॉल करवा देंगे। आइए इससे अपन कुछ प्रोग्राम करते हैं जो फाइल हैंडलिंग पे बेस्ड है, जिससे कि आपका नॉलेज जो है वो इम्प्रूव और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले यहाँ से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू राइट सम टेक्स्ट ऑन द फाइल। सिंपली हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जो फाइल पे टेक्स्ट को राइट करने का काम करे। आइए सबलाइम ओपन करते हैं सबसे पहले। ये सबलाइम ओपन कर लिया हमने, एक न्यू फाइल खोल ली, सेव कर दिया इसे, राइट डेटा ऑन फाइल डॉट पी वाई। ठीक है, नाउ हमने एक राइटर नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया, या इससे पहले हम एक डेटा वेरिएबल बना लेते हैं। अगर आपको इनपुट लेना है तो डेटा इक्वल टू इनपुट कॉल कर सकते हो आप, या मैंने सिंपली क्या करा, यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट बना दिया, माय नेम इज तरुण वर्मा, आई लव माय कंट्री। ये दो लाइन का हमारे पास डेटा है, बैकस्लैश एन लाइन चेंज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ राइटर इक्वल टू, हमने ओपन फंक्शन कॉल किया, एक फाइल बना दी हमने डेटा डॉट txt। ये फाइल अगर बनी भी नहीं है तो ये न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। राइट करना है डेटा तो w मोड में मैंने ओपन करवाया इसे। नाउ जो डेटा वेरिएबल में कंटेंट पड़ा है उसको हमें क्या करना है, राइट करना है। और किस पे राइट करना है, राइटर पे जो फाइल खुली थी उसे। तो हमने लिखा राइटर डॉट राइट डेटा, एंड एट लास्ट हमने क्या करा, राइटर डॉट क्लोज। ठीक है,
रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। रन कराने के लिए सबसे पहले राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर में गए, ये वो फोल्डर खोल देगा जहाँ पे अपना प्रोग्राम स्टोर्ड है। यहाँ हमने CMD लिखा एड्रेस बार में, एंटर मारा, कमांड प्रॉम्प्ट मिल गया। राइट डेटा वाली फाइल को हमें रन कराना था, पाइथन स्पेस राइट डेटा ऑन फाइल, यहाँ आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं आएगा। तो जहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम रन हुआ है, ये देखिए इस YouTube वाले फोल्डर में रन हुआ हुआ है, यहाँ हमारे पास डेटा डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल बन जाएगी ऑटोमेटिकली, एंड इसके अंदर ये डेटा पड़ा है। फाइन, अब मैंने आई थिंक डेटा के अंदर एन वाई लिख दिया था गलती से, माई की जगह, ठीक है। इस फाइल को मैं वापस क्लोज कर देता हूँ एक बार, एंड इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रीरन करवा लेते हैं एक बार फिर से। रन कराया, फोल्डर में गए, डेटा डॉट टी एक्स टी को ओपन किया, एग्जिस्टिंग डेटा हट गया, दोबारा से रन कराया था, नया डेटा आ गया यहाँ पे। फाइन गाइस, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड द टेक्स्ट फ्रॉम फाइल एंड प्रिंट इट ऑन स्क्रीन। फाइल से टेक्स्ट हमें रीड करना है और उसे प्रिंट करना है स्क्रीन पे। तो यही प्रोग्राम जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेव करा एंड इसको नाम दे दिया रीड डेटा फ्रॉम फाइल। अब ये जो डेटा वेरिएबल था इसको हमने यहाँ से हटा दिया, राइटर की जगह नाम रख दिया हमने अब रीडर, क्योंकि रीड करेंगे, एंड डेटा डॉट टी एक्स टी जिस फाइल पर हमने राइट किया था उसी को रीड मोड में खोल दिया। डेटा इक्वल टू रीडर डॉट रीड, एंड रीडर को लास्ट में कर दिया हमने क्लोज। अब डेटा में हमारे पास वैल्यू आई हुई है, फाइल को क्लोज करने से पहले या बाद में कहीं पे भी उसको अपन प्रिंट करा देते हैं। डेटा को हमने क्या करा, प्रिंट करा दिया। नाउ इस फाइल को हम रन करें, रीड वाली को, कमांड प्रॉम्प्ट पहले से खुला हुआ ही है, फाइन, यही डेटा था जो हमारा फाइल पे पड़ा था, ठीक है। अच्छा, मैंने रीड को आपके दो तीन तरीके बताए थे, फर्स्ट में पूरा डेटा रीड हुआ है, सपोज मैं 10 कैरेक्टर से रीड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे रीड में मैंने पास कर दिया 10। अब ये फाइल से फर्स्ट 10 कैरेक्टर ही रीड कर रहा है, माई नेम इज, माई दो स्पेस 3, नेम 4, 4 3 7, फिर एक स्पेस 8, इसके हो गए 2 यानी 10, ठीक है। सपोज दैट आप केवल एक लाइन रीड करना चाहते हैं तो हमने यूज किया रीड लाइन एंड एग्जीक्यूट कर दिया, तो केवल फर्स्ट लाइन रीड करी, माई नेम इज तरुण वर्मा, सेकेंड लाइन को इसने रीड नहीं किया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू रीड फर्स्ट लाइन ऑफ डेटा फ्रॉम फाइल एंड प्रिंट इट ऑन स्क्रीन। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है, रीड लाइन लगा दिया तो फर्स्ट लाइन रीड करेगा ये केवल, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस, यानी दो क्वेश्चंस मैं आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, इन्हें आप सॉल्व करें, मैं कुछ अगले वीडियोज में इनका सॉल्यूशन पोस्ट करूंगा। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल एंड काउंट अल्फाबेट्स डिजिट्स एंड सिंबल्स। एक फाइल से डेटा रीड करना है और काउंट करना है आपको कि जो फाइल से आपने डेटा रीड किया उसमें टोटल कितने अल्फाबेट है, कितने डिजिट्स हैं और कितने सिंबल्स हैं। हिंट बता रहा हूँ, इसमें आपको स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स को यूज करना होगा, स्ट्रिंग के मेथड्स को यूज करना होगा। स्ट्रिंग पे मेरा ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है इस प्लेलिस्ट के शुरुआती वीडियोस में, वहां पे आप चेक कर सकते हो मेथड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी डेटा ऑफ ए फाइल इनटू अनदर फाइल, द डेस्टिनेशन फाइल नेम मस्ट बी एंटर्ड बाय यूजर। अब क्या करना है, एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल पे कॉपी करवाना है और जिस फाइल में आपको कॉपी करवाना है उसका नेम जो है वो रन टाइम पे यूजर इनपुट देना चाहिए, ठीक है गाइस। तो गाइस ये था हमारे पास फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा सबसे पहले फाइल को हम क्या करते हैं, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद रीड या राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे राइट या रीड मेथड से, एंड लास्ट में फाइल को क्लोज कर देंगे।
सो गाइस होप सो आपको ये समझ आया होगा कि फाइल हैंडलिंग क्या है, किस तरह से ओपन रीड राइट रीड लाइन एंड क्लोज मेथड्स को हम यूज कर रहे हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, उस पर भी आप कमेंट अपने डाउट्स जो है वो मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।